मैक्स, क्या हुआ बाबा? भूख लगी? भूख क्यों लगा? अभी देता हूँ बाबू, काम कर लूँ थोड़ा सा, काम कर लूँ, कर लूँ, नहीं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मुंडी नहीं ला रहा है, भूख लगी है? भूख ही लगी, सच में भूख लगी है, और ले मैं बच्चा, अभी देते हैं, हाँ, दोबारा बना? गुड इवनिंग गाइस, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ मैक्स के हेल्थ अपडेट के लिए। मैं इनबॉक्स पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें बहुत फिक्र हो जाती है मैक्स की, तो भैया आप छोटा सा वीडियो चाहे इंस्टाग्राम पे बना के डाल दो, बट डाल दो। अब दोस्तों इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पे कम लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यूट्यूब पे हैं। देखो अगर आप यूट्यूब पे हो और इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो, तो आपको अपडेट्स मिलना थोड़ा ईजी रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। पर नहीं, मैंने सोचा फिर छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा रहा, बहुत रिलैक्स था। मोस्ट ऑफ द डे मैक्स और मैंने दोनों ने, हम दोनों ने रेस्ट किया क्योंकि मेरी कमर में भी दर्द था। मैक्स तो दिन भर सोता ही है ना, दिन भर मैक्स के खर्राटे हम लोग सुनते हैं, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है, कोई कंप्लेंस नहीं है। आज के दिन का सबसे पॉजिटिव पार्ट ये था कि सुबह उठते उठते मैक्स ने 8 बजे मेरे को सुबह सुबह उठा दिया। यूजुअली मैक्स भी 9:30 तक सोया रहता है, इसको सुसु पॉटी आ रही थी, देन मैं इसे लेके गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो मैं मैक्स को लिफ्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं बड़बड़ ना जाए। तो यूजुअली मैक्स को हमें उठा के ले जाना पड़ा था, चल नहीं पा रहा था, पर आज ये हुआ कि मैक्स खुद चल के गया। ऑल दो 15-20 का मैक्स चलता है फिर बैठ जाता है, इसको बहुत वीकनेस हो जाती है, मे बी पेन होता है चलने में, वेरी डिफिकल्ट टू टेल क्योंकि बोल नहीं सकते, बट इसके जो पीछे के पैर है ना, इनमें थोड़ा टेकने में से प्रॉब्लम होती है। तो 10-15 कदम चलता है, बैठ जाता है, पर हाँ सुसु पॉटी आज मैक्स ने खुद ही करी जाके, सो दैट वाज रियली नाइस, दैट वाज रियली नाइस। मेरे को कैसे देखता रहता है हर समय, तो वो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह ये हो गया तो खुशी क्या बताऊँ आपको। अच्छा, कल तक फिर हम मैक्स को ना एक सिरप दे रहे थे जिससे मैक्स की भूख वापस आ रही थी, राइट, मैक्स की थोड़ा एपेटाइजर सा था वो। आज हमने वो सिरप नहीं दिया मैक्स को, उसके बिना भी मैक्स ने खूब सारा खाना खाया। ऑल दो थोड़ा बिगड़ा नवाब हो चुका है मैक्स, अब हाथ से ही खाना खा रहा है जब से तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे खाएंगे आपको, पर खाना अच्छे से खाया है। और देखो रिकवरी में दोस्तों ना, मैक्स का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छी अच्छी चीज़ें मैक्स को दे सकते हैं, पर उसकी बॉडी के अंदर डालना मैक्स की मर्ज़ी के ऊपर है, पर मैक्स वैसे बहुत गुड बॉय है इस मामले में। तो मैक्स ने खाना वाना खा लिया, फिर दिन भर हम दोनों आराम ही कर रहे थे। एंड अभी शाम को क्या हुआ, मैंने डॉक्टर शैली को कॉल किया, तो डॉक्टर शैली के यहाँ कल मेरे को जाना था, यानी टुमारो मेरे को मैक्स को लेके जाना था इसके जनरल चेकअप के लिए। तो मैं एक्चुअली उनसे कॉल ये कर रहा था कि मैम क्या करना है, बिकॉज मैंने उन्हें बोला नहीं मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बट मैं चाह रहा था कि यार कल इतना लंबा मेरे को ड्राइव ना करना पड़े। और मैक्स जो है ना, काफ़ी सॉर्टेड है घर पर, ही इज़ रेस्टिंग वेल, ईटिंग वेल, है ना, स्लीपिंग वेल, तो सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर मैम ने बोला देखो अगर ऐसा है कि अगर मैक्स कम्फर्टेबल है, मैक्स को दवाई वाई खा रहा है और अगर खाना अच्छे से खा रहा है, पॉटी अच्छे से कर रहा है, तो आप अभी मैक्स को लेके मत आओ। तो फिर मैंने क्या करा, मैक्स का जो स्टिचेस है ना उसका वीडियो बना के मैम को भेजा, तो उन्होंने चेक करके बोल दिया कि ऑल गुड। और ये इतना प्यारा बच्चा है, इतना गुड बॉय है मैक्स। आपने दोस्तों देखा होगा ना वो कॉलर पहनते हैं डॉग्स, तो मैक्स के लिए भी मैं लेके आया था, और मैं ना पट्टी भी लेके आया था कि मैक्स के पैर में ना पट्टी से बांध दूंगा, क्योंकि ये क्या करता है पैर से इंच करके ना स्टिचेस ख़राब कर सकता है। पर टचवुड अभी तक मैक्स ने 2 दिन बाद ऐसे चाटने की कोशिश करी, मैंने मैक्स को मना कर दिया कि मैक्स मत कर, और मैक्स ने नहीं करा, मैक्स ने चाटना बंद कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। और आज ना एक और बहुत फ़नी चीज़ हुई, तो मैं इसको पॉटी करा के आ रहा था, तो एक तो ना सोसाइटी के अंदर पॉटी वॉटी कराना अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उसको स्कूप लेके जाता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, ये पॉटी करता है उसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, एंड वंस इट्स ड्राई आफ्टर कपल ऑफ आवर्स तो फिर मैं उसे पिक कर लेता हूँ, और एल्स वो आप समझ सकते हो डिस्गस्टिंग लगता है। तो गार्ड भैया को मैंने बोला भैया थोड़ा ना कोई कुछ कहेगा तो प्लीज़ आप समझा देना कि मैक्स की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो गार्ड भैया कहते हैं ठीक है उनसे दोस्ती कर ली थी मैंने, तो आज ना बड़ा सही हुआ। तो हम ऐसे सोसाइटी के अंदर एंटर कर रहे थे, जहाँ पे सोसाइटी से जब हम एंटर करते हैं बिल्डिंग में, वहाँ पे गार्ड भैया बैठते हैं। तो मैंने मैक्स को बोला मैक्स तू यहीं रुक, मैं लिफ्ट बुला के आता हूँ। तो मैक्स वहाँ पर बैठ गया, ठीक है, लिफ्ट आने में टाइम लगता है ना, तो मैं भाग के गया और मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया। अब ये जो बिल्डिंग है 20 मंजिल की, तो कभी कभी लिफ्ट आने में टाइम लग जाता है। तो लिफ्ट आई 1-2 मिनट बाद, तो जैसे लिफ्ट आई तो मैंने मैक्स को बोला मैक्स लिफ्ट आ गई आ जा, तो मैक्स उठा और आ गया।
गॉड भैया इतने हैरान। फिर मैं अगली बार गया ना तो कहते भैया वो आपने कैसे सिखाया इसे। मैं क्या कहते वो तो पूरा हिंदी समझता है कुत्ता आपका। मैंने कहा भैया ये मैक्स है, ये सब समझता है। इनफैक्ट शैली मैम के यहाँ पे भी जो स्टाफ था वो सब बोल रहे थे मतलब कि मैक्स इतना प्यारा बच्चा है, इतना गुड बॉय है, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैं सोच रहा था कि गोस्टू को अगर अस्पताल ले जाना पड़ा बाप रे बाप ऐसी तैसी कर देगा वो। अच्छा आप में से बहुत लोगों की फरमाइश थी कि गोस्ट से वीडियो कॉल कराया जाए, भाई नहीं होता भाई ये सब। पता नहीं दुनिया में कौन से कुत्ते हैं जो ये वीडियो कॉल में रिस्पॉन्स करते हैं। गोस्ट के आगे तुम रखोगे ना मार पंजे मार तोड़ देगा उसे, क्या रख दे मेरे मुँह के आगे। ठीक है क्या होता है वीडियो कॉल में खुद को देखे भोगे भी करेगा ना गोस्ट, कर सकते हैं वो गोस्ट बेवकूफ़ तो है ही। बाकी अभी हमारा मेन फोकस तो यही है कि फटाफट से मक्कू को हम पहले चलने फिरने लायक बनाएं, फिट बनाएं, है ना, और इसका जो टिक फीवर वगैरह है वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, स्टिचेस खुल जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, एंड देन आई रियली वांट टू गो बैक होम। वहाँ पे गोस्टू भी है ना, मेरा काम भी है, सब कुछ चीज़ें छूट रही हैं। हमें दिल्ली आए हुए ऑलमोस्ट अभी 20 दिन हो चुके हैं एंड आई डोंट नो अभी कितने दिन और रुकना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस ये आज का छोटा सा अपडेट था, इस बारे में ही आज आपसे बात करनी थी। अच्छा वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो अस। उसका रीज़न ये है कि कभी भी कोई अपडेट देनी होती है मैंने आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, कमेंट सेक्शन ही पढ़ रहा था, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, भैया आप इतना लेट मत करा करो, हमें घबराहट होती है। आई अंडरस्टैंड, मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोज ऐसे डाले जिससे डेफिनेटली आप लोगों को एंग्जाइटी होती होगी, आपको फिक्र होती होगी मैक्स की, तो आप फिक्र मत करिए, मैक्स अभी बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ होगा नहीं, मक्कू को एकदम फिट होता जा रहा है, अभी अच्छा अच्छा होता जा रहा है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे दिन की 3 अपडेट डाल दूँ, जब भी मक्कू खाना खाए तो अपडेट वगैरह कर दूँ, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। बाकी नहीं 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 क्या कर रहे हो आप वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो मैंने बताया था पिछले अपने कुछ महीनों का एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि वो आप जानना चाहते हैं जो हमारे पिछले 2-3 महीनों का एक्सपीरियंस था, हमारी स्ट्रगल्स थी, हमारी परेशानियां थी और कैसे हमने ओवरकम किया, एक मतलब सिंपल सी वीडियो, तो वो मैं बना के डालूंगा शायद कल, एंड आज डालना था, पर फिर आज पूरा दिन वी वर रेस्टिंग बिकॉज मेरे को लग रहा था कि बैक अगर सही करनी तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैं तो बच, तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय। चलें कहाँ चुच्चू पोती, चलें आओ आराम से कूदो आराम से, हाँ आओ उतर जाओगे कूद, आओ आओ चला।